दोस्तों, आप सबका स्वागत है कमल्स फूड लैब में, जहाँ पर हम बनाते हैं हेल्दी, इजी और टेस्टी रेसिपीज। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक सुपर हेल्दी, प्रोटीन रिच और फाइबर रिच रेसिपी, जिसे आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर में कभी भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने बनाए हैं हॉर्स ग्राम, यानी कि कुल्थी की दाल के डोसा और इडली, जो कि बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। हॉर्स ग्राम को अलग अलग लैंग्वेजेस में कुल्थी की दाल, कड़थी, कुड़ीत या कोलू के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये एक बहुत ही बढ़िया सुपर फूड है। और ये देखिए, इसका डोसा कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है और इसकी इडली भी एकदम स्पॉन्जी और जालीदार बनी है। ये देखिए दोस्तों, सुपर बनकर तैयार हुई है इसकी इडली। तो दोस्तों, इसे आप सांभर और चटनी के साथ, जैसे आप रेगुलर डोसा और इडली एंजॉय करते हैं, ऐसे ही एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस एकदम हेल्दी और प्रोटीन रिच रेसिपी को कैसे बनाना है। तो यहाँ पर बैटर हमें एक ही तरह का बनाना है इडली और डोसा के लिए। तो एक कप चावल लिया है मैंने यहाँ पर, साथ में आधा कप हॉर्स ग्राम लिया है। दोस्तों, ये जो कुल्थी की दाल होती है, इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। इसीलिए ये हार्ट हेल्थ के लिए, डायबिटीज़ के लिए, स्पेशली जिन्हें किडनी स्टोन्स होते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी होती है। वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छी होती है, इम्यूनिटी भी बढ़ाती है और स्त्रियों के मासिक धर्म को रेगुलेट करने में भी ये बहुत यूज़फुल होती है। साथ ही में हमने यहाँ पर छिलके वाली उड़द की दाल ली है, जिसमें कि प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। साथ में एक छोटी चम्मच मेथी दाना लिया है। सभी चीज़ों को एक बड़े से बोल में डालेंगे और पानी डालकर अच्छी तरह से 2 से 3 बार हम इसे भूलेंगे। दोस्तों, अगर आप वेट लॉस जर्नी फॉलो कर रहे हैं तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। इसमें जो डोसा की फिलिंग है वो भी मैं वेट लॉस के लिए यूज़फुल हो उसी तरह का बनाकर बताने वाली हूँ आपको। तो यहाँ पर मेरे चावल और पल्सेस धुल गए हैं, अब हम इसमें पानी डाल देंगे। अच्छी तरह से हमारे जो चावल और पल्सेस हैं वो डूब जाए उतना पानी हमें डालना है और 5 से 6 घंटे के लिए इसे हम सोक करके रख देंगे। 6 घंटे हो चुके हैं और हमारी सब दालें और चावल बहुत ही बढ़िया तरीके से नरम भी हो गए हैं और फूल गए हैं, ये देखिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पानी है इसे ड्रेन आउट कर देंगे और बाकी की चीज़ों को हम डाल देंगे मिक्सर में। और बिल्कुल जैसे हम इडली डोसे का बैटर पीसते हैं वैसे ही हमें इसका एक स्मूथ सा बैटर पीस कर तैयार करना है। तो ये देखिए, एकदम बढ़िया सा स्मूथ बैटर मेरा बन गया है। अब इस घोल को हम निकाल लेंगे एक बड़े से बोल में और जो बाकी बची हुई चीज़ें हैं उसे भी पीस लेंगे। थोड़ा सा बड़ा बर्तन लेंगे क्योंकि इसमें खमीर आएगा तो ये फूलेगा भी। और तो यहाँ पर जो सेकेंड लॉट था वो भी मैंने पीस कर इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें नमक डालेंगे और हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। ऐसा करने से इसका जो फर्मेंटेशन है वो बहुत ही बढ़िया होगा। हाथों की गर्मी से इसको खमीर उठने में मदद मिलती है। तो ये देखिए, इस तरह की मैंने कंसिस्टेंसी रखी है और इसे ढककर मैं ओवरनाइट रखने वाली हूँ। आप 8 घंटे के लिए इसे रख सकते हैं। तो मैंने पूरी रात इसे रख दिया था और आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया एकदम जाली पड़ रही है इसमें। बहुत ही बढ़िया खमीर उठ गया है इसमें, बहुत बढ़िया फर्मेंटेशन हो गया है इसका, एकदम लाइट हो गया है हमारा जो बैटर है वो। तो चलिए अब चलते हैं इसकी इडली और डोसा बनाने के लिए। तो यहाँ पर मेरी जो कंसिस्टेंसी है वो परफेक्ट है, तो मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया है। इडली के मोल्ड में तेल लगा दिया है और उसमें मैं डाल दूंगी ये बैटर। मैंने इडली स्टीमर को ऑलरेडी स्टीम होने के लिए रख दिया है एक तरफ। तो इसको रख देंगे हम स्टीमर में और 15 मिनट के लिए इसे स्टीम होने देंगे। तब तक हम डोसा के लिए बैटर को थोड़ा सा पतला कर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा बैटर अलग से एक बोल में निकाल रही हूँ और फिर उसमें जैसे आपको पानी लगेगा उतना आप डालकर बैटर की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करिए। बिल्कुल जैसे हम रेगुलर डोसा बनाते हैं वैसा ही बैटर हमें रखना है इसके लिए। ये देखिए, इस तरह का बैटर मैंने इसका बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब सुपर हेल्दी एक फिलिंग बनाकर भी तैयार कर लेते हैं इस डोसे के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिया है पत्ता गोभी, कैप्सिकम, गाजर, प्याज और स्वीट कॉर्न। इसके साथ ही मैं ऐड करने वाली हूँ पनीर। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी चम्मच ऑलिव ऑयल ले लिया है और इसके गर्म होते ही इसमें मैंने डाल दी है प्याज। पहले प्याज को हल्का गुलाबी होने तक हम सौते कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सारी सब्जियाँ जो हमने बारीक बारीक काट कर रख ली थी।
दोस्तों ये बहुत फटाफट बनकर तैयार हो जाता है। और अगर आपको ये वाला फिलिंग नहीं बनाना है तो रेगुलर जो हम आलू का फिलिंग बनाते हैं वो भी आप बनाकर एंजॉय कर सकते हैं इस डोसा को। तो 3 से 4 मिनट मीडियम आंच पर नमक डालकर हमें इसे स्टोव फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हमें इसे कुक नहीं करना है, थोड़ा सा क्रंची रखेंगे इसे हम। आंच को मीडियम ही रखना है ताकि इसकी जो नमी है वो साथ ही में सूखती जाए, नहीं तो अगर आप स्लो गैस पर इसको पकाएंगे तो इसमें से पानी रिलीज होने लग जाएगा। तो 4 मिनट हो गए हैं, हमारा जो फिलिंग है ये एकदम ड्राई है। और अब मैंने इसमें क्रम्बल किया हुआ पनीर डाल दिया है और 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें इडली पाउडी का मसाला डाला है। आप चाहें तो सांभर मसाला भी डाल सकते हैं, या चाट मसाला भी डाल सकते हैं, या किचन किंग मसाला भी डाल सकते हैं। तो बस मैंने एक मिक्स दे दिया है और गैस को बंद कर दिया है। बहुत ज़्यादा पनीर डालने के बाद हम इसे कुक नहीं करेंगे। हमारी जो फिलिंग है वो एकदम तैयार है। तो चलिए अब चलते हैं डोसा बनाने की तरफ। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है इस फिलिंग में, बस आपको ऐसे ही इसे बनाकर तैयार करनी है। तो यहाँ पर मेरा जो डोसा तवा है वो एकदम बढ़िया गर्म हो गया है और अब मैं इस पर डोसा स्प्रेड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि जैसे हम रेगुलर डोसा बनाते हैं वैसे ही ये बैटर आपका स्प्रेड हो जाता है। थोड़ा थोड़ा घी लगा देंगे एजेस पे, आप चाहें तो तेल भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे तो घी ज़्यादा पसंद है डोसा में, इसलिए मैं थोड़ा घी ही अप्लाई कर रही हूँ। ऊपर भी लगा दिया है मैंने और 3 से 4 मिनट में ही हमारा जो डोसा है एकदम बढ़िया बनकर तैयार है और इसके एजेस ऊपर उठने लग जाते हैं जैसे ही ये बन जाता है। तो चलिए इसके ऊपर हम फिलिंग लगा देते हैं। एकदम भरपूर क्वांटिटी में फिलिंग को रखेंगे इसके ऊपर। दोस्तों इसे आप सुबह ब्रेकफास्ट के लिए भी बना सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया प्रोटीन रिच और फाइबर रिच ब्रेकफास्ट है जिससे कि आपके दिन की शुरुआत एकदम हेल्दी होगी। तो बस डोसे को फोल्ड करेंगे और गर्मा गर्म इसे हम चटनी और सांभर के साथ सर्व करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं सुपर क्रिस्पी हमारा ये डोसा बनकर तैयार हुआ है और इडली भी हमारी यहाँ रेडी हो गई है। तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं चाकू से। और ये हमारा जो चाकू है वो एकदम क्लीन निकल आया है, यानी हमारी इडली एकदम रेडी है। तो बस 2-3 मिनट के लिए हम रुक जाएंगे और उसके बाद हम इसे डीमोल्ड कर देंगे। दोस्तों हमारी इडली भी इतनी बढ़िया फोल्ड कर तैयार हुई है। ये देखिए अब मैं आपको इसको बताती हूँ कितनी स्पॉन्जी बनी है ये। ये देखिए आप देख सकते हैं जालीदार बनी है एकदम, बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होती है। तो दोस्तों आप भी इस सुपर हेल्दी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे साथ अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करिएगा। ऐसी ही नई नई और इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन भी दबा दीजिएगा ताकि नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें।